नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अभिजीत मिश्रा चैनल में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में अब आईटीआई को अनिवार्य कर दिया गया है। घबराने की बात नहीं है, सभी पदों के लिए अनिवार्य नहीं है आईटीआई। इसमें कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए ग्रुप डी में भी आईटीआई को अनिवार्य कर दिया गया है। आईटीआई या अप्रेंटिसशिप अनिवार्य किया गया है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, पेपर में एक न्यूज़ दिया गया था जिसमें लिखा हुआ था कि ग्रुप डी में भर्ती के लिए मैट्रिक आईटीआई को जरूरी कर दिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि रेलवे ने ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब मैट्रिक के साथ आईटीआई के प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया गया है। दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया है और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है। मेरे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। यदि आपको स्क्रीन पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे ने ग्रुप डी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अब मैट्रिक के साथ आईटीआई के प्रमाण पत्र को जरूरी कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी पद पर ज़्यादातर 10वीं के साथ आईटीआई के प्रमाण पत्र मांगे जाते थे ताकि रेलवे में किसी भी तरह के कार्य के लिए ग्रुप डी कर्मचारी का उपयोग किया जा सके। इसमें 10वीं 12वीं के उम्मीदवार के साथ साथ बीएससी एमएससी और पढ़े लिखे बेरोजगार भी आवेदन कर रहे थे। गैंगमैन और खलासी की ज़्यादातर पदों पर पढ़े लिखे उम्मीदवार काम करना पसंद नहीं करते थे। इसके साथ ही ट्रैक मैनों की भी स्थिति है जिन्हें लाइन पर काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह की स्थिति सभी रेलवे में है। तो इसे देखते हुए रेलवे बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ग्रुप डी के गैंगमैन और खलासी के पदों पर भर्ती के लिए आईटीआई को जरूरी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत रेलवे के कुछ डिपार्टमेंट के लिए ग्रुप डी की भर्ती में प्रमाण पत्र जरूरी हुआ है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और एसएनडीटी शामिल है। यह नोटिफिकेशन 27/7/2017 को जारी किया गया है। यह रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। आप यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे फेसबुक पेज से देख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।